चैनल में। थैंक यू सो मच। ज्यादा 75th इंडिपेंडेंस डे है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले 75 इयर्स हो गए हमारे देश को आजाद हुए, क्या कहना चाहेंगे, क्या फीलिंग है एज ए इंडियन? एज ए इंडियन ये लगता है मतलब जैसे टाइम फ्लाइज, मतलब एक टाइम पे हम लोग स्कूल में थे, आई रिमेम्बर 16 इंडिपेंडेंस डे आया, फिर 61, 62, 63, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, मेरा भाई बड़ा हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स के एज धीरे धीरे बढ़ रहा है, वैसा हमारा कंट्री का जो इंडिपेंडेंस है उसका टाइम भी बढ़ रहा है और थिंग्स आर चेंजिंग फॉर गुड और हम लोग बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं। ऐसा देखा जाए तो पहले जैसे इंडियंस को, मतलब आफ्टर ब्रिटिश इंडियंस को क्या माना जाता था, वी आर नॉट दैट इम्प्रूव्ड कंट्री एंड एवरीथिंग। अभी चीजें चेंज हो रहा है, इंडियंस आर डूइंग रियली रियली गुड। अगर हम लोग ऐसा बोले भी कि नहीं चीजें बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा है, हमको अदर कंट्रीज की तरफ देखना चाहिए, श्रीलंका, पाकिस्तान, धीरे धीरे खत्म हो रहा है वो सब कंट्रीज। हम लोग इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने अपने आप को धीरे 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 स्लोली बट स्टेडी हम लोगों ने अपने आप को ग्रो किया है एंड वी आर अ स्ट्रांग कंट्री नाउ। आप देख सकते हो कि यूएस एंड रशिया सारे कंट्रीज हमें आज एक स्ट्रांग कंट्री की तरफ से मानते हैं, हमारा ओपिनियन लेते हैं एंड मोदी जी इज ऑल्सो वेरी पावरफुल नॉट अमंग इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनली। सब उनको जितना रेस्पेक्ट देते हैं, उनको मानते हैं, उनका राय लिया जाता है। सो इट्स नॉट ईजी एंड ऑब्वियसली हमको और भी इम्प्रूव करना है आगे टेक्नोलॉजिकली एंड इन एवरी वे। इंडियंस आर इंटरनेशनली एवरीवेयर दे आर डूइंग गुड एंड एज अ इंडियन आई एम वेरी प्राउड। और मैंने कभी कभी देखा है कुछ लोग बोलते हैं अरे इंडिया मैं तो दुबई शिफ्ट हो जाऊंगा, मैं तो यूएस शिफ्ट हो जाऊंगा, बट नो, आप जब तक 15 दिन के लिए कहीं पे घूमने जाते हैं ना या 10 दिन के लिए कहीं पे घूमने जाते हैं, ऑफकोर्स आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आप नए नए चीजें देख रहे हो, बट रहने के लिए आई थिंक इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। राइट। इसके अलावा जो हीरोज ने हमारे कंट्री के लिए बलिदान दिया है, वो फिर इंडिपेंडेंस के पहले हो, भगत सिंह, राजगुरु, और इंडिपेंडेंस के बाद राम बासु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी एग्जैक्ट पता नहीं चला उनके साथ क्या हुआ है, बट आई थिंक अगर इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तो अगर मेरा एज अ पर्सनल व्यू पूछा जाए तो मुझे लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग रोल जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। राइट। तो ये इन जो हीरोज है उनका बहुत ही बड़ा रोल है हमारे देश को इंडिपेंडेंस करने में, तो आज के दिन पे क्या क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? आप उनके बारे में जितना भी कहा जाए एक्चुअली वो कम होगा। जस्ट मुझे ऐसा लगता है हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में पढ़ते थे और खुदीराम बासु के बारे में पढ़ते थे, एज आई एम फ्रॉम बंगाल, मुझे बंगाल के बहुत सारे हीरोज के बारे में पता है, तो जब पढ़ते थे ना तो इतना, तब हम लोग पढ़ते थे एज अ चैप्टर, बट होता है ना टाइम के साथ साथ जब मैच्योरिटी आया तब उनका एग्जैक्टली कंट्री के लिए प्यार जो है, जिसके लिए मतलब फॉर देयर लाइफ इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ कंट्री, फॉर देम लाइक कंट्री इज एवरीथिंग, वो जो चीज है जितने बड़े होते हैं हम लोग आई थिंक वी रियलाइज, और उनके बारे में जितना भी बोला जाए कम है, बट जितने भी बच्चे हैं उनको ना पता होना चाहिए उनके बारे में, मुझे इतना ही लगता है, और हमें उनको याद रखना चाहिए। That's it. और 75th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर जो स्पोर्ट्स पर्सन ने जो गिफ्ट दिया है हमारे देश को, जो इतने सारे मेडल्स और इतने सारे जो गोल्ड सिल्वर मेडल इतने सारे जो लाके दिए, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में, उसको लेके कितना प्राउड फील करती है एज इंडियन? दे ऑल आर डूइंग लाइक एक्सट्रीमली वेल, बिकॉज हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कोई इंसान, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई काम कर रहा है, हर काम को रेस्पेक्ट करना चाहिए और हमारे सोसाइटी के लिए ज़रूरत है। बट इनका क्या होता है कि ये इंटरनेशनली जाके जब इंडिया को प्राउड फील कराया जाता है, कुछ पहले क्या माना जाता था, अगर आप एथलीट हो तो यू नो साउथ अफ्रीकन्स आर वेरी स्ट्रांग फिजिकली, हाँ इफ समवन इज फ्रॉम यूएस और यूरोप उनको फैसिलिटीज बहुत ज्यादा मिलता था, एडवांस टेक्नोलॉजीज जो आता था कोई भी स्पोर्ट्स के लिए, गेम के लिए कैसे खेला जाता था उनको पता चलता था। बट हमारे मैं सोच रही हूँ, मतलब अभी मैंने हेमा दास का भी देखा है, शी इज फ्रॉम अ वेरी पुअर मिडिल क्लास फैमिली, और शायद उनके पास उतना पैसा भी नहीं था, चीजें भी नहीं था, फिर भी उन्होंने जो उनके अंदर पैशन था और उन्होंने जो, शी इज अ बंगाली गर्ल, I know her story, I heard her story. तो
ये सब चीज इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी उन्होंने इंटरनेशनली जो कंट्री को रिप्रेजेंट किया, और ये बहुत बड़ी बात है आई थिंक टू मेक अस फील प्राउड इंटरनेशनली. ऑफ कोर्स वी आर वेरी प्राउड एज इंडियन. और बचपन की कुछ अगर मेमोरी शेयर करना चाहे इंडिपेंडेंस डे की स्पेशली, अगर कुछ बताए आपकी स्कूल में कैसे सेलिब्रेट करते थे, घर पे कैसे सेलिब्रेट करते थे आप? या आई आई रिमेम्बर आई एम फ्रॉम दुर्गापुर गर्ल्स हाई स्कूल. इट्स इन दुर्गापुर, इट्स अ गवर्नमेंट स्कूल. तो इंडिपेंडेंस डे के दिन पहले तो हमारा बहुत पहले से प्रैक्टिस होता था पीटी के लिए. और कुछ आई वॉज नॉट अ गुड डांसर, मुझे स्कूल में डांस ग्रुप से निकाल दिया गया था बिकॉज आई वॉज नॉट दैट गुड. बट वी यूज टू डू पीटीज एंड एवरीथिंग. फिर जो फाइनल पीटी का जो डे रहता था वो 15 अगस्त होता था. और पीटी के बाद, फ्लैग होस्टिंग के बाद, हम लोग और भी जो नेशनल एंथम बजता था उसके बाद, हम लोगों को बहुत सारा एक टिफिन बॉक्स टाइप मिलता था. बॉक्स में उसमें लड्डू और बहुत सारा खाना होता था, स्वीट समोसा, ये सब स्कूल में. दैट्स अ नाइस मेमोरी. लास्टली जोइता, कोई गाना अगर गुनगुनाना चाहे आप इंडिपेंडेंस डे के खास मौके पर? नहीं, ऐसे बहुत सारा गाना है. आई एम नॉट अ सिंगर बट आई लाइक दैट सॉन्ग, ए वतन वतन आजाद रहे तू. दैट इज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग. और मैं 15 अगस्त को सोती हूँ. लास्टली प्रोफेशनल फ्रंट में अगर कुछ बताना चाहे, एनी ऑफ योर अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? आई जस्ट येस्टरडे ओनली मैंने वूट के लिए एक लुक टेस्ट किया है, तो वूट और कलर्स में आएगा वो शो. तो होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.